श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ट्रांसफॉर्मेशन का ये पीरियड चल रहा है। युग परिवर्तन के मिशन को लेकर भगवान नारायण कल्कि के रूप में धरती पर आ चुके हैं। उनके मिशन में देवी देवतागण जुड़ चुके हैं। ऋषि मुनि जो कि हजारों वर्षों से ज्ञान गंज में तपस्या कर रहे हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर में आ गए हैं धरा पर, ताकि भगवान कल्कि के मिशन में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। आज पूरे यूनिवर्स में वो माहौल बनकर तैयार हो गया है, जिसमें परिवर्तन के दौर से हर इंसान को गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इसी परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए इंसानों को संकेतों के माध्यम से भगवान कल्कि अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, यानी अपने डिवाइन मैसेज को किसी न किसी माध्यम से भक्तों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। अब उसे डीकोड करना भक्तों के ऊपर है कि कौन कितनी जल्दी उन मैसेजेस को डीकोड कर पाता है, क्योंकि आज बहुतों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। कुछ इतनी अच्छी बातें उनके साथ हो रही हैं जो अज्ञानतावश वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें लग तो रहा है कि कुछ अलग हटकर उनके साथ बातें हो रही हैं, लेकिन किस प्रकार ये उनकी समझ से परे हैं। तो जिस प्रकार ये समय आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं का जोर पकड़ेगा, लेकिन इसी बीच भगवान कल्कि को चूंकि अपने भक्तों को बचाना है और जिन भक्तों को लेकर जाना है उन्हें नेक्स्ट लेवल पर, उन भक्तों के जीवन में जो परिवर्तन होने अब स्टार्ट हो गए हैं, उसी कड़ी में आज मैं आपको बतलाने जा रही हूँ कि भगवान कल्कि के वो चार देवदूत जो आपके घर में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। और अगर पहुंच रहे हैं तो हो जाइए खुश, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का एक ऐसा मौका अब आपके जीवन में आएगा आने वाले कुछ समय में, जिसका संकेत ये देवदूत आपके घर में आकर प्रवेश करके आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जानिए कि देवदूत यानी डिवाइन एंजल्स, अब डिवाइन एंजल्स किसी भी रूप में हमारे घर में आते हैं, लेकिन हम उन्हें चूंकि समझ नहीं पाते इसलिए वो आए और गए, हम उनका स्वागत नहीं कर पाते। तो शर्त ये भी है, बिन शर्त के कोई भी काम भगवान कल्कि फ्री में किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। मुफ्त की रेवड़ी किसी को नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, पहले करो फिर प्राप्त करो, यानी पहले करना है कर्म, और तब जब आपने कर्म कर लिया और वो सही कर्म है तो उसका सही रिजल्ट आपके जीवन में आएगा ज़रूर। तो अब जो देवदूत आ रहे हैं, वो जो पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उन्हें तो डिकोड करना है, लेकिन ये मिलेंगे किन्हें, यानी ये देवदूत किनके घर में प्रवेश करेंगे। मान लीजिए आपके घर का दरवाज़ा है, आप जब तक उसे खोलते नहीं हैं, क्या कोई आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई आपके मेहमान जो आपके यहाँ आया हुआ है या कोई अनजान इंसान, लेकिन जब तक दरवाज़ा बंद, सामने वाला आपके घर में घुस नहीं सकता। बेल बजाता जाएगा, कड़ी बजाता जाएगा, जब तक आप नहीं खोलते हैं तब तक वो दरवाजे पर खड़ा रहेगा, बाद में लौट कर भी चला जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं मेहमानों के स्वागत के लिए, अब हमें अपने मन का दरवाज़ा खोलना है, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना है, सही रास्ता चुनना है, और जो देवदूत आ रहे हैं उनका स्वागत करना है एवं उनका शुक्रिया अदा करना है, और भगवान का अपने आराध्य का अब जिनको भी मानते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि आप राम को माने या कृष्ण को, हनुमान जी को माने या माँ काली को, माँ वैष्णवी को माने या माँ लक्ष्मी को, सब लोग आज भगवान कल्कि के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप किन्हीं को भी, किसी को भी आप माने,
वही उन्हीं का मैसेज आप तक पहुंच रहा है। एक अच्छे समय की शुरुआत अब आपके जीवन में होने वाली है। अब तक आप परेशान थे तो ये देवदूत आ रहे हैं, लेकिन अब उनको आपको थैंक यू भी बोलना है, शुक्रिया अदा करना है, एवं अपने आराध्य को भी आपको धन्यवाद कहते हुए उनसे जुड़ना है और कहना है कि हाँ, अब आगे से और भी मैं साधना में अपना मन लगाऊंगा या लगाऊंगी, और उनको थैंक यू भी कह देना है क्योंकि उनके देवदूत आपके घर में आए। अब जानिए कौन कौन से देवदूत आपके घर में आ रहे हैं। पहली, सफ़ेद रंग की बिल्ली। यदि आपके घर में पाली हुई नहीं, आप कहीं से खरीद कर लेकर आ रहे हैं बिल्कुल नहीं, आप रास्ते से उठा के लेकर आ रहे हैं तो भी नहीं, अचानक से आपने अपने घर का दरवाज़ा खोला और सामने आपको दिखी सफ़ेद बिल्ली जो आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत शुभ संकेत है। ये पहले भी हुआ होगा, लेकिन अब जो ये युग परिवर्तन का जो समय चल रहा है, ये बहुत अधिकता की ओर बढ़ रहा है, यानी इंटेंस पीरियड ये चल रहा है। तो इसमें अगर सफ़ेद बिल्ली आपको दरवाजे पर खड़ी दिखलाई पड़ती है या आपके घर में आती है तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। हो जाइए खुश, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। दूसरा संकेत, यदि आपके घर में कहीं से कोई तोता आ जाए, जी हाँ, तोते का आना भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। याद रखिए, भगवान कल्कि के साथ भी हैं सुखदेव, डिवाइन पैरट के रूप में, तो यदि आपके घर में भी कोई तोता आए तो अनदेखी ना करें, बल्कि हाथ जोड़ लें और उनका भी शुक्रिया अदा करें। पकड़ के पिंजड़े में बंद ना करें, भले ही उन्हें कुछ दाना दे दें, उन्हें कुछ खिला दें, उनके साथ थोड़ा जब तक वो तोता महाराज रहें आपके घर में या आपकी बालकनी में बैठे, तब तक उन्हें आप निहार लें। तीसरा संकेत, छिपकली। जी हाँ, छिपकली का आना घर में बहुत शुभ संकेत देता है, लेकिन इसमें दो तीन कैटेगरी है। अगर वो छिपकली बिल्कुल सफ़ेद उजले रंग की है, यानी गोरी चिट्टी है, ये जो देवदूत होगी छिपकली वो बिल्कुल गोरी चिट्टी होगी। गोरी चिट्टी यानी जो इंसान गोरा होता है उतना तो गोरा नहीं, लेकिन फिर भी बाकी छिपकलियों से एकदम अलग उसका रंग रूप होगा, एकदम चिकनी और सुंदर सी दिखने वाली। साउथ में आप जाइए तो एक मंदिर में बहुत बड़ी सोने की छिपकली है, लोग जाकर उन्हें छू कर आशीर्वाद लेते हैं। तो एक बहुत ही गोरी सी छिपकली, सफ़ेद तो नहीं होगी लेकिन गोरी छिपकली, काली भी नहीं मटमैली भी नहीं। छिपकली काली भी होती है, यानी थोड़ी सी गंदी टाइप की भी होती है, मटमैले रंग की होती है वो नहीं, लेकिन एकदम गोरी सुंदर सी छिपकली अगर आती है आपके घर में तो ये भी अच्छे समय के आने का संकेत है, धन के आने का संकेत है, अच्छी सेहत के आने का संकेत है, यानी इसके लिए भी आप खुश हो जाइए। इसके अलावा यदि आपने अपने घर के सामने, यदि आपने पेड़ पौधे लगाए हैं अपनी बालकनी में और वहाँ पर जोड़ा तितली, एक जोड़े में सफ़ेद रंग की तितली, तितली अनगिनत रंगों की होती है, वैसी तितली नहीं, रंग बिरंगी तितली नहीं, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग की तितली अगर आती है, एक भी आती है तो थोड़ा सा आपका माहौल ठीक रहेगा, लेकिन अगर जोड़े में आती है या आप अपनी बालकनी में गए और अचानक आपकी नज़र पड़ी एक पेयर में तितलियां उड़ के आपकी बालकनी के सामने से जा रही हैं, रास्ते में कहीं नहीं, आपकी बालकनी से उड़ के आपके घर के सामने से जा रही हैं, या आपने पेड़ पौधे जो लगाए हैं उस पर आकर सफ़ेद रंग की तितली बैठी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। तो इन संकेतों को समझिए, ये साधारण संकेत नहीं है, भगवान कल्कि या आपके आराध्य के द्वारा भेजे गए वो देवदूत जो उनका मैसेज आप तक लेकर आ रहे हैं और बतला रहे हैं कि आने वाले समय में नो टेंशन, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन एग्रेशन के मूड में नहीं रहना है, एग्रेसिव नहीं बनना है, शांत रहना है और भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।